हाय फ्रेंड्स, ये आप अभी जो देख रहे हैं ब्लैंक फोल्डर, वो क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब मैंने इसका जो लैपटॉप का अंदर, जो मैकबुक प्रो के अंदर जो हार्ड डिस्क था, पुराना हार्ड डिस्क, उसको मैंने बाहर कर दिया और नया एसएसडी लगाया। तो इसलिए उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी फाइल नहीं है। इसलिए ये आपको, आपके सामने जो फोल्डर दिखा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए, ये कमांड की और आर की को प्रेस करके इसको रिस्टार्ट करना है, ऑन करना है। देखिए, ऑन करने के बाद कुछ देर बाद ये स्क्रीन आपके सामने आएगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी रिकवरी डिस्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको क्या करना है, इसको इंटरनेट से, एप्पल के वेबसाइट से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। देखिए, ये वाईफाई तो लगेगा ही, नहीं तो आप कैसे ये कनेक्ट कर पाओगे ये इंटरनेट के, और डाउनलोड कैसे होगा। इसलिए वाईफाई कनेक्शन जरूरी है, ठीक है। तो इसको पासवर्ड देके मैंने ये सेव कर दिया। देखिए, ये कनेक्ट हो गया इंटरनेट के। ये स्क्रीन चलता रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा ये कनेक्ट होके, आपका मशीन को पहचानेगा, उसका आईडी एप्पल के पास जाएगा, और वो उसके बाद कनेक्ट होने के बाद देखिए ये स्क्रीन, थोड़ा फाइनली ये स्क्रीन आएगा, एप्पल का लोगो आएगा। इसका मतलब इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। तो उसके बाद जो आएगा आपके पास, फाइनली यही स्क्रीन आएगा। देखिए, ये थोड़ा ऑप्शन है कुछ, देखिए, रीइंस्टॉल, रिस्टोर फॉर्म, टाइम मशीन, आपका पास बैकअप है तो वो बैकअप से आप रीइंस्टॉल कर सकते हैं, और ये फ्रेश कॉपी आप इंस्टॉल करते हैं इंटरनेट से। हम यही आपको सामने दिखाने जा रहा है कि ये किसको फ्रेश जो इंस्टॉल हम करें इंटरनेट से। अगर कोई आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको ये मशीन जो है, लैपटॉप है, जो मैकबुक प्रो या डेस्कटॉप जो भी हो, कैसे आपको ये इंस्टॉल करें, वही मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा, ठीक है। फिर से एक बार ये वाईफाई का पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई सेव होने का कोई जगह नहीं है, थोड़ा ब्लैंक है पूरा हार्ड डिस्क, ठीक है। तो उसके बाद आप जब आप देंगे ये वाईफाई का पासवर्ड, उसके बाद फिर से ये नेट से कनेक्ट होगा। देखिए, एक मिनट, पासवर्ड सेट कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए, ये पासवर्ड कनेक्ट, ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन में क्लिक करने के बाद वो कनेक्ट हो जाएगा। मैंने ये फेस कॉपी, अच्छा, ये एक आप देख रहे हैं, ये माउंटेन लायन का जो पिक्चर है, ये क्यों, माउंटेन लायन तो बहुत पुराना है, क्यों ये पिक्चर आपके सामने आया है, इसलिए कि माउंटेन लायन, जब मैं ये लैपटॉप 2012 में मैकबुक प्रो परचेस किया था, तब इसमें बाय डिफॉल्ट था उस टाइम ए ओएस माउंटेन लायन था। इसलिए आपका जो लैपटॉप, जब जब आप इंस्टॉल करेंगे, फेस इंस्टॉल करेंगे, तो वो आपके उस टाइम जो ओएस आपका मशीन में था, मतलब के लैपटॉप में था, वही इंस्टॉल होगा। तो इसलिए मैकबुक प्रो में मेरा ये लायन इंस्टॉल हो रहा है, कि ये मेरा हाथ में नहीं है, ये एप्पल बाय डिफॉल्ट इस तरह का ये देता है। तो अब देखिए, इसको हार्ड डिस्क आपको इरेज करना है। पहले आपको इतना क्लियरली मैं डिटेल डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब करें तो कोई घबराने का बात नहीं है। तो इसलिए मैं इतना डिटेल बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये थोड़ा हार्ड डिस्क और एग्रीमेंट है, डिसएग्री एग्रीमेंट, इसको तो एग्रीमेंट करना ही है। और ये हार्ड डिस्क सिलेक्ट करना है, कहाँ इसको इंस्टॉल करें, यही पे इंस्टॉल करना है। तो ये पे इंस्टॉल करें, कंटिन्यू करें, तो ये आपका आ गया, आपका हार्ड डिस्क में थोड़ा टाइम लगेगा ये, ठीक है। आप देखते रहिए, थोड़ा टाइम लगेगा। अब धीरे धीरे ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम
इंस्टॉल हो जाएगा और थ्रू इंटरनेट ही हो रहा है ये, कोई भी मीडिया नहीं है, कोई बैकअप मेरा नहीं है, तो डायरेक्टली मैं ये इंटरनेट से एप्पल के वेबसाइट से इंस्टॉल हो रहा है। अभी देख रहा है ये स्क्रीन आया है आपके सामने, ये थोड़ा नॉर्मल होता है जब कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें तो ऐसा स्क्रीन ही आता है आपके सामने। में क्लिक करना है, उसके बाद अपने जो कंट्री है, यहाँ मेरा इंडिया है, इंडिया को क्लिक करने के बाद कंटिन्यू। कीबोर्ड का ऑप्शन आएगा, देखिए ये कीबोर्ड यूएस जो है वो ठीक है, कंटिन्यू। उसके बाद आपको वाईफाई का पासवर्ड फिर से देना होगा। ये आपको डालना होगा। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन नॉट नाउ, ठीक है। उसके बाद एनेबल लोकेशन सर्विस ऑन दिस मैक, इसको क्लिक करना है। और उसके एप्पल आईडी है तो दीजिए, नहीं तो स्किप करके बाहर जाइए, ठीक है। तो ये लाइसेंस जो थोड़ा एग्रीमेंट रहता है वो कंटिन्यू। उसके बाद आपका फुल नेम देना होगा। फुल नेम देने के बाद ऑटोमेटिक वो अकाउंट नंबर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, वो आर्बिटरी है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए ये कौस्तुभकरण का, वो कौस्तुभकरण ऑटोमेटिक आ गया। पासवर्ड देना है, वो आपका हिंट्स अगर हो तो पासवर्ड का दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम सेट करना है, वो इंडिया का जो वहाँ पे आप माउस का कर्सर लेके आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये कोलकाता इंडिया है, ठीक है। इसके बाद वो स्टेट प्रोविंस कंट्री, और अभी स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया। आ गया आपका सामने ये स्क्रीन, थोड़ा और बेसिक कुछ सेटिंग है मैं आपको है बेसिक सेटिंग। और अब हम दिखाते हैं आपको ये हार्ड डिस्क का आइकॉन कैसे ले आते हैं डेस्कटॉप पे। ये प्रेफरेंस में क्लिक करने के बाद वो हार्ड डिस्क क्लिक करने से आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत बैकडेटेड है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर इतना बैकडेटेड है कि ये कंप्यूटर तो रन करेगा लेकिन इसको फायदा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जो बाय डिफॉल्ट जितना भी प्रोग्राम है कि ऐप स्टोर और आईट्यून्स सफारी सब कुछ बैकडेटेड है, इतना बैकडेटेड है कि तो ये इसको मैं फायदा नहीं है। मैं सिर्फ आपको दिखाया कैसे वो बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसे इंस्टॉल करें। तो इसको अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो लेटेस्ट एप्पल का जो ओएस अभी चल रहा है वो कैटलिना, क्योंकि बिग सुर इस लैपटॉप में नहीं चलेगा क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है। तो इसलिए मैं बिग सुर के बदले जो लास्ट अपडेट जो सपोर्ट करता है ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम का कैटलिना, वो कैटलिना मैं कैसे एप्पल के वेबसाइट से डाउनलोड करके मैं इसको जो अभी इंस्टॉल किया इसको पूरा के पूरा मैं फॉर्मेट करके एकदम लेटेस्ट इस मशीन का जो होगा उसको मैं इंस्टॉल करूँगा। अच्छा, आपके मन में ये भी आ सकता है कि हमारा जो ऐप स्टोर है, तो ये ऐप स्टोर मैं अपडेट करके तो इसको पूरा के पूरा जो कंप्यूटर है उसको तो अपडेट हम कर सकते हैं, कैटलिना भी कर सकते हैं अपडेट करके, मैक स्टोर के जो ऐप स्टोर है वहाँ से लॉगिन करके जो मेरा एप्पल आईडी है उस। लेकिन ये नहीं हो सकता इसलिए कि एप्पल का जो ऐप स्टोर है वो इतना अपडेट हो गया कि आप जब लॉगिन करोगे आपका ओरिजिनल जो लॉगिन पासवर्ड है एप्पल आईडी है वो आपको, इसलिए नहीं होगा कि इस कंपेटेबल नहीं है, अभी जो ऐप स्टोर है वो कंपेटेबल नहीं है, इसलिए वो लॉगिन थोड़ा तो कुछ तो अपडेट होगा ही,
लेकिन कुछ कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आईट्यून है वो अपडेट के एरर दिखाएगा, और आपको ऐप स्टोर का जो लॉगिंग है वो आप लॉगिंग नहीं कर पाओगे, उसको भी एरर आएगा। तो इसके लिए हम कैटलिना को फ्रेश तरह कैसे इंस्टॉल करें वो हम दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।